ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जब जांच होगी, जांच कौन करेगा? किसी की एजेंसी जांच नहीं कर सकती अपने लोगों के खिलाफ। सीबीआई को प्रकरण देना चाहिए और मेयर जोशी को तो खुद नैतिकता का आधार पर इस्तीफा दे देते। क्या मंत्री पद, साल भर बाद कहां जाओगे? जब जनता के अंदर आपका मामला गिर गया, जनता अगर आपको नकार चुकी है, तो ऐसे मामले में मंत्री को लंबे समय तक रहना चाहिए। आरएलपी पार्टी इसको लेकर, मेयर जोशी के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर, अन्य जो मंत्रियों ने बदमाशी करी, इन सबको लेकर एक बड़ा आंदोलन राजस्थान में चल रही, जिसकी रूपरेखा हम कल इसका ऐलान कर देंगे। कहां कहां किस तरीके से आंदोलन होगा पूरे राजस्थान में, जो बदमाशी, गुंडागर्दी, जंगल राज, बलात्कार, लूट खसोट, ये जो चल रही है। बीजेपी चुप है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस मिली हुई राजस्थान के अंदर। 22 साल में भाजपा कांग्रेस ने मिलकर राजस्थान को लूटा और इसी का परिणाम है कि राजस्थान अपराध में एक नंबर चला गया। माफिया राजनीतिक संरक्षण के अंदर पनप रहा है। टोल से लेके, बजरी से लेके सारे ठेके और माइनिंग से लेके, जो नई माइन से लौट रही, सारा काम नेताओं के इर्द गिर्द और उनके रिश्तेदारों के पास, माफिया पनप रहा है। और इसलिए आम आदमी तकलीफ के अंदर है। आम आदमी की तकलीफ दूर करने के लिए आरएलपी पार्टी बड़े आंदोलन का आगाज करेगी कल से। हम किस तरीके से राजस्थान में इन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करें, नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें, इसको लेके रूपरेखा बनाएंगे और कल इसका ऐलान भी करेंगे। ये सामोद में सड़क हादसा, सामोद में जो सड़क हादसा हुआ, बेघर समाज के 5 एक परिवार पूरा उजड़ गया। दुर्भाग्य इस बात का कि राजस्थान सरकार का कोई मंत्री और बड़ा अधिकारी इनको सांत्वना देने नहीं पहुंचा। परिवार का ये संवेदनहीनता है। ये गहलोत साहब के यही संवेदनशील सरकार है आपकी, यही संवेदनशीलता कहते हो आप। अगर यही हादसा जोधपुर में होता तो मुख्यमंत्री अपना आप घोषणा करते थे, मंत्रियों को भेजते थे, उनका गृह क्षेत्र है, उनका पूरा राजस्थान है। आज मैं आया हूँ, मैंने मुख्यमंत्री के सचिव से भी फोन पे बात की, जयपुर कलेक्टर से बात की, भाई आप खुद आए और इनको आर्थिक पैकेज की घोषणा करें। पीछे कमा के खाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कहाँ है संवेदनशीलता सरकार की? ये संवेदनशीलता है, ये संवेदनहीनता है। मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, इस परिवार को आर्थिक पैकेज दें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सुनिश्चित व्यवस्था करें परमानेंट, जब तक ये बच्चे पढ़े लिखे, अच्छे स्कूल के अंदर, अच्छे कॉलेज के अंदर, ये व्यवस्था राजस्थान सरकार को करनी चाहिए। और एक जो हमारे कांस्टेबल का एग्जाम देने बच्चे जो गए थे, एक परिवार के 3 बच्चे उजड़ गए, उस मामले में सरकार को संज्ञान लेके। और मेरे ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।